नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जूम क्लाउड मीटिंग ऐप में आ रही समस्याओं के बारे में बताना। फर्स्ट समस्या जो है कि ज्वाइन कैसे करें, दूसरी समस्या लेकर आ रही थी कि होस्ट की जो वॉइस है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, नहीं आ रही है। तीसरी समस्या जो है वो होस्ट के ऊपर था कि होस्ट शेड्यूल कैसे तैयार करें। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, देखते हैं जूम ऐप को स्टार्ट करने में आपको कौन कौन सी समस्या हो रही है उसके बारे में मैंने समस्या के बारे में पहले भी बता दिया कि जो आपको ज्वाइन करने में समस्या हो रही है, उसके बाद आपको जो होस्ट है उनका वॉइस क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए वॉइस थोड़ी भी नहीं आ रही है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्वाइन दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी हो रही है, मैं बता देता हूँ। न्यू मीटिंग का दिया हुआ है, उसके बाद ज्वाइन शेड्यूल इसके बारे में इसके बाद बताता हूँ। ज्वाइन के बारे में बता देता हूँ आपको, एक आईडी मिलेगी आपको, एक आईडी होगी जो होस्ट आपको उपलब्ध कराएंगे, होस्ट आईडी और पासवर्ड दोनों कराएंगे। तो आपको होस्ट का आईडी पता होना चाहिए जो वीडियो ये दे रहा है या उनके साथ आप जुड़ रहे हैं ना। तो ये मैंने आईडी डाल दिया और इसका एक पासवर्ड भी आपको मिलेगा, वो या तो होस्ट जो है वो सेल्फ क्रिएट करेगा या तो क्या करते हैं डिफ़ॉल्ट सेट होता है। तो ये भी बता दूंगा मैं डिफ़ॉल्ट सेट कैसे होता है, ये जब हम वीडियो ऑनलाइन लेक्चर देते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि होस्ट अपना सेल्फ आईडी सेल्फ पासवर्ड कैसे दिए। फिर आईडी तो उनको मिला होता है, पर्सनल आईडी जो होता है वो हर बार वो पर्सनल आईडी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछा जा रहा है, इसके लिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड मैंने पहले ही बताया कि होस्ट या तो सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं या तो डिफॉल्ट सेट होते हैं, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दे रहा हूँ। ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, मैंने जैसे ही पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको ज्वाइन विथ वीडियो का तो पूछा जा रहा है, तो ज्वाइन विथ वीडियो कर देते हैं। जो हमारे पहले इशू है उसी को पहले हम ज्वाइन करने वाला जो इशू था वो उसी को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम दूसरी जो समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या इसलिए कि वीडियो सुनाई नहीं दे रहा, जो होस्ट है जो वॉइस है ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा था कि सुनाई नहीं दे रहा है ना, बहुत सारी आवाज़ नहीं आ रहा है आवाज़। तो ये देखना यहाँ पे सबसे लेफ्ट सबसे नीचे में नीचे लेफ्ट ज्वाइन आईडी ठीक है, ज्वाइन आईडी होता है यहाँ पे। अब आपको जो होस्ट है उनका जो आवाज़ है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से होगा ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पीकर वाली, तो ये स्पीकर सबसे ऊपर में देखो, टॉप में सबसे टॉप में देखो लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे क्रॉस सिंबल है, तो ये आपको आवाज़ नहीं आएगी ठीक है। ये आप क्या करेंगे, टेप करके वो हट जाएगा ठीक है। अब आपको वॉइस सुनाई देगा, यहाँ पे एक म्यूट अनम्यूट में, जैसे अभी अनम्यूट है तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो अभी होस्ट को नहीं सुनाई दे रहा। उसके बाद मैं अगर इसको ये अभी म्यूट का ऑप्शन आ गया है ना, म्यूट दिखा रहा है मतलब कि, तो ये म्यूट जैसे दिखाएगा तो मेरी जो आवाज़ है वो जो होस्ट है ना उनको सुनाई दे। तो ये आप कब ऑन कीजिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब लेक्चर चल रहा हो या आपके यहाँ कुछ वगैरह ज़्यादा हो सकते ज़्यादा आवाज़ या टी वी चल रहा या कोई आपके साथ में बैठ के तो क्या होता है कि बात कर रहे हैं तो वो आवाज़ क्या करता है ज़्यादा दूसरी तरफ जाएगा है ना, मतलब जो होस्ट है जो लेक्चर दे रहे हैं उनकी तरफ जाएगा, तो क्या होगा उनको दिक्कत होगा, या उनको दिक्कत नहीं होगा तो बाकी जो पार्टिसिपेंट होंगे जो उनको क्या होगा दिक्कत होगा। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाना चाहिए इससे कि आपको जो आवाज़ का जो इशू था ये मैंने कर दिया। यहाँ पे एक बार फिर से मैं इसी को बता देता हूँ, डिस्कनेक्ट ऑडियो कर दूँ ठीक है ना। डिस्कनेक्ट ऑडियो करने के बाद लेफ्ट साइड सबसे नीचे लेफ्ट साइड ज्वाइन आईडी हो, ज्वाइन आईडी कर देना, यहाँ पे एक बार क्लिक करना, फिर से ये क्लिक हो गया, उसके बाद देखो म्यूट का ऑप्शन आ गया। तो इसको मैंने पहले बता दिया ना, म्यूट का ऑप्शन आ गया। अब फिर से आप चेक करेंगे किस पे जाके, सबसे टॉप में और लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ठीक है। लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे तो साउंड का वो सिंबल दिया है वहाँ पे, क्रॉस ये आप ऑन कर लीजिएगा ठीक है। ऑन करने के बाद मैंने बताया था म्यूट अनम्यूट का, अभी म्यूट दिखाई दे रहा है मतलब कि जो होस्ट को आपकी आवाज़ सुनाई देगा, लेकिन अनम्यूट कर देते हैं तो होस्ट को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई ठीक है। ये दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व ठीक है। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वीडियो वॉच, चलिए अब बात करते हैं हमारे जो चौथे जो प्रॉब्लम है वो होस्ट को हो सकता है। होस्ट को जैसे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मीटिंग के लिए, जैसे कि मैं बात करूँ मैं
यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट साइड में, ये होस्ट के लिए ज़्यादा वो है, जो ये चौथा जो प्रॉब्लम होता है उनको शेड्यूल के लिए। तो शेड्यूल के लिए मैं बता दूँ, शेड्यूल के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक ही यूज़र आईडी और एक ही पासवर्ड से मैं शेड्यूल बना सकता हूँ। शेड्यूल में मैं सिर्फ क्या चेंज करूँगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैंने शेड्यूल तैयार किया है एक ही यूज़र आईडी और एक ही पासवर्ड से। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे डीएड सेकंड ईयर सेकंड क्लास टू किया है, क्योंकि मैंने क्लास टू इसलिए किया है क्योंकि मैंने फर्स्ट डे आज डीएलएड फर्स्ट मैथ्स ले लिया है, सेकंड देखो डीएलएड सेकंड मैथ्स ले लिया है सेकंड ईयर का। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, डीएड फर्स्ट क्लास टू, डीएड सेकंड क्लास टू, ठीक है। तो ये देखो दोनों की जो मीटिंग आईडी है वो सेम है, लेकिन ये जो मीटिंग आईडी सेम है, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो मीटिंग आईडी आपको दिखाई दे रहा है और पासवर्ड, मैंने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ऐसे डाल दिया है इसमें 123456। तो ये आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मैं वीडियो में बताने के लिए आपको किया। देखिए इसमें भी देख लीजिए, सेम आईडी और सेम पासवर्ड, लेकिन चेंजेस क्या है, चेंजेस ये हैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, मीटिंग नेम जो वो करते हैं, मीटिंग नेम आपको दिखा देता हूँ, मीटिंग नेम कहाँ से होता है, शेड्यूल जैसे मैंने तैयार किया ये शेड्यूल, शेड्यूल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राज साहू जूम मीटिंग, तो यहाँ पे आप शेड्यूल नेम मतलब कि वो क्लास या टॉपिक नेम ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूज़र आईडी आप क्या करना चाहें, सेम रखना चाहे, तो सेम रखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे मीटिंग पासवर्ड होता है, ये देखो मीटिंग पासवर्ड जो होता है, मीटिंग पासवर्ड आपको क्या करना है, मीटिंग पासवर्ड अगर आपको सेम रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं, और यूज़ पर्सनल आईडी, मीटिंग आईडी, तो यूज़ पर्सनल आईडी यहाँ से हम ऑन करते हैं। यूज़ पर्सनल आईडी मतलब कि ये आईडी आपको पर्सनल मिला हुआ है ना, ये इसी आईडी पे आप सारे वीडियो आप क्या कर सकते हैं, सारे मतलब ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, और इसी पासवर्ड से, या पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पासवर्ड चेंज करेंगे, डन करेंगे, वो हो जाता है, ठीक है। और आप डिफ़ॉल्ट मीटिंग आईडी कैसे सेट होता है, मतलब कि आप इसको क्या कर दो, यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी को आप यहां से आप क्या कर दें, ऑफ कर दिए, तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट आपको मीटिंग आईडी मिल जाएगी। तो मीटिंग आईडी डिफ़ॉल्ट मिलने के लिए मैं जैसे बता दूँ, एक ये कर दिया मैंने, एक मैं सेट करके बताता हूँ, ये तो मैंने सेम रहने देता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट मीटिंग आईडी मैं दिखाता हूँ आपको। चलो डिफ़ॉल्ट मीटिंग आईडी के लिए मैं एक सेट करके बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे राजसाहू जूम मीटिंग मैं यही नाम दे देता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करता हूँ, डेट वेट कोई भी डेट में चेंज नहीं कर रहा हूँ, डेट टाइम वगैरह कुछ भी नहीं चेंज कर रहा हूँ। पर्सनल मीटिंग आईडी हटा देता हूँ, पासवर्ड भी क्या कर देता हूँ हटा देता हूँ, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मतलब कि वो डिफ़ॉल्ट कैसा यहाँ पे आ जाएगा, आप शेयर कर सकते हैं एड इनवाइट, ये आप जीमेल में ईमेल में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट मीटिंग, डायरेक्ट यहीं से अभी स्टार्ट कर सकते हैं आप इस मीटिंग को, या एड इनवाइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे लास्ट में 17 था मेरी जो मीटिंग आईडी है, और पासवर्ड जो है, तो पासवर्ड अभी हम जब स्टार्ट करेंगे मीटिंग स्टार्ट करेंगे तब हमें पासवर्ड शो होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अब दिखा देता हूँ आपको, ये जैसे एड इनवाइट कर दिया, तो एड इनवाइट यहाँ पे मैसेज किया, मैसेज को मैं किसी को भेज रहा हूँ, को भेज देता हूँ। अब इस जो मीटिंग आईडी है इसको सेंड कर दूँ, सेंड करने के बाद क्या होता है, मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मिल जाता है, इसी को मैं कॉपी करके या तो व्हाट्सअप में या तो मैसेंजर में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेंड कर सकता हूँ। इससे डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं जो स्टूडेंट है या आपकी क्लाइंट है ना, तो इससे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ, बैक होके मैं ये जो राज साहू जो मीटिंग है यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा जो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में राज साहू जूम मीटिंग ऐसा करके आ गया, और इसके जो पासवर्ड है, तो मैं स्टार्ट करूँगा देखना, तो स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने पे क्या होता है, एक पासवर्ड भी मिल जाएगा, देखना बैक टू मीटिंग आता हूँ मैं। तो देखिए ये जो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद लाइट में इस तरह यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये कनेक्ट नहीं है, और कनेक्ट नहीं है मतलब वहाँ पे पासवर्ड मैंने वो कर दिया था, ऑफ कर दिया था पासवर्ड, इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट सेट नहीं हुआ। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए ये डिफ़ॉल्ट सेट हो गया, मैंने पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, ये मीटिंग आईडी यहाँ पे चेंज हो गया है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि मैंने पर्सनली मीटिंग आईडी को यूज़ नहीं किया, डिफ़ॉल्ट यहाँ पासवर्ड भी और चेंज हो गया, ठीक है। यहीं से इनवाइट भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ से मीटिंग डिलीट भी कर सकते हैं, या एडिट और कुछ करना है इसमें, कुछ अब चेंजिंग करने चेंजेस करने हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपने होस्ट के लिए कि वो कैसे मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद न्यू मीटिंग, तो न्यू मीटिंग के लिए डायरेक्ट आप न्यू मीटिंग पे चले जाइए, उसमें वहाँ पे आईडी भी शो हो जाएगा, मतलब आपकी पर्सनल आईडी देखिएगा यहाँ पे, ये पर्सनल आईडी आपका ऑन है, तो पर्सनल आईडी आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑन रहेगा, और पर्सनल आईडी के बाद आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट वाली बात है कि आपने क्या नहीं किया, शेड्यूल तैयार नहीं किया, और तुरंत आपको शेड्यूल तैयार करने हैं, मतलब तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत क्लासेस आपको स्टार्ट करने, तो न्यू मीटिंग से डायरेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग पे। लेकिन आप क्या करें, शेड्यूल बना लें, शेड्यूल मतलब कि आपको कौन कौन सा क्लास कब कब लेना है, और उसकी जो पासवर्ड है, उसका जो आईडी है, तो आईडी और पासवर्ड को आप सेम कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं उसको डिफॉल्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप लिंक के माध्यम से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये हो गया चौथा जो प्रॉब्लम था पोस्ट के लिए, ठीक है। और पोस्ट क्या कर सकते हैं, मैं बता दूँ यहाँ पे, पोस्ट के लिए मैंने बताया था कि वो पूरा कंट्रोल रख सकता है अपने, जैसे जितने भी पार्टिसिपेंट बैक वीडियो देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो एड नहीं है मेरे पास, यहाँ मेरे साथ में कोई एड, तो चलिए मैं बताने वाला था ये पार्टिसिपेंट पे आप चले जाइएगा यहाँ पे, इसके लिए बताना था कि पोस्ट जो है म्यूट एंड म्यूट का ऑप्शन, पोस्ट के लिए मैं बता दूँ यहाँ पे म्यूट ऑल कर सकते हैं, म्यूट ऑल के लिए ये ऑप्शन है, म्यूट ऑल कर देंगे ताकि जिसके पार्टिसिपेंट उनका वॉइस यहाँ आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट ऑल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में रहता है, आप उसको म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी लास्ट तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है नेटवर्क की, ठीक है। तो नेटवर्क किसी के लिए ज़्यादा नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क आता है वहाँ पे, आप ये जूम ऐप है वहाँ पे ऑन कीजिए, ताकि आपको वीडियो जो लाइव क्लासेस लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि वॉइस क्लियर आ सके, और जो होस्ट है वो जो आपको जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उनको आप समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम ये होता है कि बीच बीच में क्या होते रहता है, आवाज़ कट 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 करके आते रहता है, मतलब कि थोड़ा 5 मिनट, बहुत सारी शो ने बताया कि आवाज़ जो होता है बहुत कट कट के, थोड़ी देर अच्छा आ जाएगा, फिर से थोड़ी देर फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये इशू नेटवर्क का इशू है, और जो ऑनलाइन क्लासेस अभी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, है ना, स्कूल कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं वो सारे ले रहे हैं, या कई ऑफिस जो ऑफिस वाले जो है वो सारे अपने क्लाइंट का मीटिंग ले रहे हैं, तो ये इस कारण से क्या है कि थोड़ा सा वर्क करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।